आशुतोष शर्मा। लॉकडाउन के वक्त ये लड़का डिप्रेशन की वजह से होटल के कमरे में बंद हो जाता है। बस ये सोचता रहता है कि आगे जिंदगी के अंदर क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद होती है ना कि मैं आगे जाकर कुछ ना कुछ कर लूंगा, तो बस उस उम्मीद और जुनून की वजह से वो आगे बढ़ता है और एक वक्त पर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को स्लिप शॉट मारता है और हिस्ट्री बना देता है, जहां पर पूरी पंजाब की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है और जहां पर लगता है कि अब टीम नहीं जीत पाएगी, वहां पर आशुतोष नाम का एक आशा का किरण आता है और पूरी मैच का रुख बदल कर रख देता है। तो दोस्तों, एक कहानी है आशुतोष शर्मा की। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रतलाम से। आशुतोष शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में हुआ था। मात्र 8 साल की उम्र में आशुतोष शर्मा को एक बात का सयन हो गया था कि अगर मैं शहर के अंदर रहूंगा तो शहर मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएगी। तो 8 साल की उम्र में ही उसने क्रिकेट के चलते अपना शहर छोड़ दिया और क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने के लिए वो इंदौर आ गए। एक 10 साल का लड़का जो खुद अपने लिए खाना भी बनाता है और अपने कपड़े भी वो खुद धोता है, ये बात सोचने में ही थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन आशुतोष शर्मा ने मात्र 10 साल की उम्र में खुद के लिए कपड़े भी धोए। और तो और वो अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहते हैं कि मैं जहाँ पर रहता था वो कमरा बहुत ही छोटा था। आशुतोष के पास रहने के लिए ठिकाना तो था, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। एक तरफ क्रिकेट को लेकर टेंशन चलती रहती थी तो दूसरी तरफ ये भी टेंशन होती थी कि आज शाम को मैं खाना खा भी पाऊंगा या नहीं। पैसों की कमी होने की वजह से वो कई मैचों के अंदर अंपायरिंग करते हुए भी नजर आते थे और अंपायरिंग के चलते उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना रोजी रोटी चलाते थे और साथ ही अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते थे। अब जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक 10 साल का लड़का जिसकी जीवन के अंदर आगे क्या होगा उसको खुद भी नहीं पता और उसके टैलेंट की कदर भी नहीं हो रही हो तो उस बंदे पर क्या बीत रही होगी। तो बस सेम वैसा ही हाल उस वक्त आशुतोष पर था। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। आशुतोष ने ऐसी परिस्थिति के अंदर 2 साल तो निकाल दिए। अब आशुतोष की उम्र 12 साल हो गई थी। 12 साल के आशुतोष के टैलेंट से अमय खुरासिया बहुत ही प्रभावित हुए और उस पर पर्सनली बहुत ही ध्यान देने लगे। अमय खुरासिया भी भारत के लिए पहले खेल चुके थे और अमय खुरासिया MPCA एकेडमी के वहाँ पर मुख्य कोच थे। खुरासिया ने 12 साल के आशुतोष को उस एकेडमी के अंदर बहुत ही हेल्प की और उसकी क्रिकेट को भी एक अलग मुकाम पर ले गए और इसकी वजह से शायद आशुतोष आज हर IPL इंटरव्यू के अंदर या कहीं पर भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर अमय खुरासिया का नाम लेते हुए या यूं कहे तो उसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। आशुतोष ने 2018 के अंदर सैयद मुस्ताफ अली ट्रॉफी के अंदर मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हुए डेब्यू किया। फिर 2019 के अंदर भी सैयद मुस्ताफ अली ट्रॉफी के अंदर MP की तरफ से खेलते हुए आशुतोष शर्मा ने अपना आखिरी T20 मैच खेला और वहां पर भी उसने 84 रन बनाए। यहां तक आशुतोष की जिंदगी और उसका क्रिकेट करियर राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहा था, लेकिन 2020 के अंदर कोरोना का वक्त और MP के मुख्य कोच का बदल जाना आशुतोष की जिंदगी के अंदर एक विलन का काम करने वाले थे। मध्य प्रदेश सेट के अंदर नए कोच आ गए थे जिसका नाम था चंद्रकांत पंडित, जिसकी खुद की पसंद और नापसंद थी। जिस खिलाड़ी को पसंद करते थे उसी को टीम में रखते थे और जिसको पसंद नहीं करते थे उसको कहीं पर भी मौका नहीं दिया जाता था। अब चंद्रकांत पंडित को पर्सनली आशुतोष से क्या प्रॉब्लम थी वो अभी भी आशुतोष ने नहीं बताया और ना ही चंद्रकांत पंडित की तरफ से जानने को मिला, लेकिन चंद्रकांत पंडित आशुतोष को पर्सनली पसंद नहीं करते थे और इस बात का जिक्र आशुतोष खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की ट्रायल टीम के अंदर आशुतोष ने मात्र 45 गेंदों के अंदर 90 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन फिर भी उसका 2020 के अंदर खेले जाने वाली मुस्ताफ अली ट्रॉफी के अंदर मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब इस बात का पता आशुतोष को शाम को लगा तब उसका दिल बहुत ही आहत हुआ और वो पूरी तरीके से निराश हो गए। जबकि 2018 और 2019 के अंदर आशुतोष ने सैयद मुस्ताफ अली ट्रॉफी के अंदर 6 मैच खेली थी और वहाँ पर उसने 3 अर्धशतक भी लगाए थे और मध्य प्रदेश की तरफ से रन बनाने वाले सेकंड रन स्कोरर थे, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अब सोचिए दोस्तों कि आपका ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन हो और आपको एक टीम के अंदर लेने से मना कर दिया जाए और उसका रीजन भी आपको ना बताया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो बस सेम वैसा ही हाल आशुतोष के साथ था। आशुतोष भी रात भर जागता रहता था, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया था और बस इसी बात पर अटका हुआ था कि मेरी गलती कहाँ पर है, कहाँ पर वो गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरा टीम के अंदर सिलेक्शन हो रहा। अब एक तरफ तो आशुतोष का टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ उस वक्त तो कोरोना था, तो उस वक्त बस के अंदर मात्र 20 खिलाड़ी ट्रैवल कर सकते थे।
इस 20 खिलाड़ियों के अंदर भी आशुतोष को जगह नहीं मिली। अब एक युवा लड़का जिसकी जिंदगी होटल के कमरों के अंदर बंद हो गई थी। कभी कभी वो जिम के अंदर जाता था, बाकी पूरा दिन वो होटल के कमरों में बंद रहता था और सोता रहता था और सोचता रहता था। आशुतोष अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहते हैं कि मैंने 3 महीने तक जमीन के दर्शन भी नहीं किए थे। मतलब 3 महीने होटल के अंदर रहना और वो एक बंद कमरे में अपने आप में एक सोचने वाली बात है। ये समय ऐसा था जहाँ पर आशुतोष ने क्रिकेट से मूव ऑन कर लिया और उसने नई नौकरी की तलाश की और उसने नया घर भी ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी उसी के सामने झुकती है जो अपने परेशानियों के सामने नहीं झुकता। तो बस सेम वैसा ही हाल आशुतोष के साथ था। आशुतोष को रेलवे के अंदर नौकरी मिल गई। रेलवे के अंदर आशुतोष को नौकरी मिलना एक टर्निंग पॉइंट था, या यूं कहे तो किस्मत का करिश्मा भी था। रेलवे में नौकरी मिलने के साथ ही आशुतोष के अंदर वो विश्वास वापस आ गया था कि अब मैं क्रिकेट के अंदर वापसी कर सकता हूँ और रेलवे क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट के अंदर वापसी कर मैं अपना बड़ा नाम बना सकता हूँ और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रख सकता हूँ। 2020 के अंदर क्रिकेट से मूव ऑन करने वाले आशुतोष ने 2023 के अंदर रेलवे क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए सैयद मुस्तफ अली ट्रॉफी के अंदर डेब्यू किया और इस सैयद फली ट्रॉफी के अंदर आशुतोष ने मात्र 11 गेंदों के अंदर 50 रन बना दिए और हिस्ट्री के अंदर अपना नाम अमर कर दिया। क्योंकि 2007 के अंदर 12 गेंदों के अंदर युवराज सिंह ने 50 रन बनाए थे और उसके नाम फास्टेस्ट 50 बनाने का रिकॉर्ड था। यह रिकॉर्ड आशुतोष ने मात्र 11 गेंदों के अंदर 50 रन बनाकर 2023 के अंदर तोड़ दिया। फिर 2 महीने बाद IPL का मिनी ऑक्शन हुआ और इस ऑक्शन के अंदर पंजाब ने आशुतोष को उसकी बेस प्राइस 20 लाख के अंदर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। पंजाब की टीम की तरफ से शुरुआत की मैचों के अंदर तो आशुतोष को कोई मौके नहीं मिले, लेकिन फिर पंजाब वर्सेस गुजरात की मैच हुई और वहां पर पंजाब पूरी तरीके से फंस गई और लग रहा था कि पंजाब ये रन चेंज नहीं कर सकती। तब पंजाब वालों ने एक इंपैक्ट प्लेयर का यूज किया और उस प्लेयर का नाम था आशुतोष। अब आशुतोष जानता था कि जिंदगी ने कई सारे इंतहाम लिए हैं, अब एक मौका मिला है तो उस मौके का भरपूर फायदा उठाना है। तो बस उस मौके का फायदा उठाते हुए आशुतोष ने अपना नाम IPL के अंदर अमर कर दिया। आशुतोष ने इस मैच के अंदर 17 गेंदों के अंदर 31 रन बनाए और अकल्पनीय पारी खेलकर पंजाब वालों को जीत के करीब ले गए, लेकिन आखिर में वो आउट हो गए। लेकिन आशुतोष की इस बेहतरीन पारी की वजह से पंजाब गुजरात के सामने वो मैच जीत गया। फिर पंजाब वालों ने आशुतोष को वापस सनराइज हैदराबाद के सामने एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया और वहां पर भी आशुतोष के बल्ले से 15 गेंदों के अंदर 33 रन निकले और वहां पर भी उसने बेहतरीन पारी खेली। लेकिन इस बेहतरीन पारी के बावजूद पंजाब वहां पर जीत नहीं पाया। और सेम वैसे ही बेहतरीन पारी उसने राजस्थान के सामने भी खेली, वहां पर भी उसने 16 गेंदों के अंदर 31 रन बनाए और यहां से पंजाब की टीम के अंदर आशुतोष शर्मा परमानेंट खिलाड़ी बन गए। अब आशुतोष की छोटी पारिया लेकिन बेहतरीन पारिया तो उसके बल्ले से आ ही रही थी। लेकिन फिर पंजाब वर्सेस मुंबई की मैच हुई। इस मैच के अंदर आशुतोष ने जो पारी दिखाई, इस पारी को देखकर हर क्रिकेट प्रेमी अचंभित रह गया। मुंबई के सामने आशुतोष ने 28 गेंदों के अंदर 61 रन की बेहतरीन पारी खेली और उसकी वजह से पंजाब एक वक्त पर जीत के करीब भी गई, लेकिन वो मैच जीत नहीं पाई। लेकिन इस मैच के दौरान आशुतोष ने अपना ड्रीम शॉट भी मार दिया। आशुतोष का बचपन से एक ड्रीम था कि वो एक पेस बॉलर के सामने स्विप शॉट मारेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि दुनिया के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के सामने वो स्विप शॉट मारेगा और जसप्रीत बुमराह को स्विप शॉट मारना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब वो वक्त भी दूर नहीं कि आशुतोष शर्मा इंडियन जर्सी के अंदर भी हमें नजर आ जाए, क्या पता शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उसका चयन हो जाए। बाकी दोस्तों ये थी आशुतोष शर्मा की संघर्ष भरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। और अभी तक आपने रियान पराग का कमबैक वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो भी आपका दिल जीतने वाला है। तो प्लीज उस वीडियो को एक बार विजिट कीजिएगा। मिलते हैं कल और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।